कसरावत के बाल समुद्र चौकी नया नगर कॉलोनी में रविवार रात्रि 9 बजे से 10 बजे के दरमियान ही बेटे ने चाकू से गोदकर मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बेटा अपनी मां के खाना नहीं बनाने को लेकर उसने अपनी मां की हत्या की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए कसरावत अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मृत महिला के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। पुलिस के मुताबिक बाल समुद निवासी रीना पति नूरू 50 वर्ष, उसके बेटे रुपेश पिता नूरू जागीरदार वर्ष 25 ने रविवार रात को घर में ही चाकू से हमला कर दिया और महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग उसके घर पहुंचे। इस बीच रीना बाई की मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना बाल समुद चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी अजय जा घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद कसरावत थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसका बेटा घर में ही बैठा रहा। मृत महिला रीना बाई के पति नूरू की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में माँ बेटे ही रहते थे। बताया जा रहा है कि खाना नहीं बनाने और देने की बात को लेकर हत्या की गई। रुपेश पिता नूरू ने घर में ही अपनी माँ रीना बाई की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी। मृत महिला के बेटे रुपेश पिता नूर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।